अभी इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम देखने को मिला। प्रॉब्लम क्या है? मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। ये वाला प्रॉब्लम अभी बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। एक वीडियो पे, दो वीडियो पे, तीन वीडियो पे, बहुत सारे लोग का मैंने देखा है 48-48 वीडियो पे यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज वाला जो प्रॉब्लम है वो लग चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होता क्या है एंड ये क्यों आता है, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आ जाता है तो क्या इससे आपके अकाउंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा या फिर क्या होने वाला, सब कुछ आपको मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है रिव्यू आवर कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी विच आउटलाइन प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स बिहेवियर एंड कैटेगरीज फॉर कॉन्टेंट। योर कॉन्टेंट मस्ट फॉलो दिस पॉलिसी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। सो आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पहले मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एकाधिक प्रतिबंधित श्रेणियाँ, यानी जो रील हमने डाला था, जो ये आपको यहाँ पे रील दिख रहा है, सो ये मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज मेरे रील पे लगा हुआ है, ठीक है, यानी इसको स्ट्राइक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके रील पर एक से अधिक रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज वाला वायलेशन है उसमें, इसीलिए हम एक से अधिक इस पर रेस्ट्रिक्टेड लगा रहे हैं। नीति का उल्लंघन होने से मुद्रीकरण टूल का उपयोग करने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है। अगर इस तरीके के रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज वाले वीडियो हम अपलोड करते हैं या फिर पोस्ट डालते हैं तो उससे हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिया जाएगा, क्षमता प्रभावित होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, हमें बताया जा रहा है कि आप क्या यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो हमारी सामग्री मुद्रीकरण नीतियों की समीक्षा करें जो सामग्री के लिए निषिद्ध प्रारूपों, व्यवहारों और श्रेणियों की रूपरेखा तैयार करती है। मुद्रीकरण के योग्य होने के लिए आपकी सामग्री को इन नीतियों का पालन करना होगा। यहाँ पे ये जो नीति दिया हुआ है उस नीति का आपको पालन करना होगा, तभी आपका जो रील वगैरह होगा वो मोनेटाइज हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी कंटेंट यानी आपकी सामग्री हमारी नीतियों का पालन करती है यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करता है तो समीक्षा के लिए अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। तो इस वायलेशन को हटाने के लिए आप लोग समीक्षा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आप प्रत्येक 90 दिन में एक बार समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। कुछ नीति उल्लंघन आगे की समीक्षा का योग्य नहीं है। कि जो भी आप लोग रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो वो 90 दिन में एक बार आपको मौका मिलेगा करने का, ठीक है। 90 दिन के अंदर अंदर आपका जो ये प्रॉब्लम होगा वो हटा दिया जाएगा, यहाँ से आपके जो रील वगैरह होंगे वो यहाँ से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो आपको 90 दिन में एक बार ही ये चीज़ का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सबमिट करने का, ठीक है। अगर आपको जानना है कि ये मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में क्या क्या नहीं करना होता है तो आप क्या करना, सी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। अब आपको नीचे आना है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आता क्या है। रेस, जेंडर, नेशनल ओरिजिन, एज, पॉलिटिकल एफिलिएशन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, साइकोनॉमिक क्लास, रिलीजन, इमिग्रेशन। सो ये चीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज के अंदर आता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको अपने रील बनाते समय या फिर रील अपलोड करते समय ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाना है। तो आपको मल्टीपल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। योर रील इज़ नॉट मोनेटाइजिंग, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो रील है ये वाला रील वो मोनेटाइज नहीं होगा। बस ये वाला रील जो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये वाला रील मेरा मोनेटाइज नहीं होगा, बाद बाकी सारा मोनेटाइज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है, वी रिव्यू योर रील एंड फाउंड डैट इट डज नॉट फॉलो आवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो आपको यहाँ पर एक रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो कंटेंट होगा वो रिव्यू में चला जाएगा, इंस्टाग्राम फिर से उसको चेक करेगा। अगर इंस्टाग्राम गलती से उस पर इस तरीके का रेस्ट्रिक्टेड लगा रखा है तो वो हटा देगा। अगर आपने सही में कोई गलती किया है तो वो फिर आपका रील जो है, हो सकता है कि आपका जो रील है वो डीमोनेटाइज ही रहे, मोनेटाइज नहीं हो, हो सकता है कि आपका रील आगे डिलीट भी कर दिया जाए, इंस्टाग्राम से हटा दिया जाए। लेकिन आपको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है,
आपको इस रील से कोई प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम एक ही होता है कि जो रील पे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जाता है ना, उस रील का रीच डाउन हो जाता है, उस पर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं जा पाते, लाइक वगैरह ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। इंस्टाग्राम उसको रिकमेंड करना ही बंद कर देता है, लोगों के पास भेजना ही बंद कर देता है। बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि उस तरीके से आपके रील पे व्यूज़ नहीं जा रहे तो उसको आप लोग डिलीट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको एक बार रिव्यू करके देखना है, तो मैंने भी इस रील को अभी देख सकते हो, इन रिव्यू आ रहा है, इसको रिव्यू में डाल रखा है। अगर सही में इस पर कोई गलती होगा तो इंस्टाग्राम इसको डिलीट कर देगा या फिर हटा देगा या फिर इस पर स्ट्राइक रह जाएगा, हटेगा नहीं, ये बाद में अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको बस यही आपका रीच डाउन हो जाता है और कुछ नहीं है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। सो वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।